ये देखिए आज मैंने अचानक बढ़ावा बोला अपने ऑफिस पे, मैं आई हूँ पता थी आज क्यों आई हूँ, एक आध चेक साइन करवा के ले जाओ अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी। ये है विकी का ऑफिस, करंट ऑफिस है ये बेटे, सीएमडी एमडी हमारे दोनों। आज मैं जा रही हूँ ऑफिस, मतलब ऑफिस शाम में जा रही हूँ। अब मैं देखिए तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ, मम्मी जा रही है चेक करने कि सब लोग काम कर रहे हैं ठीक से, नहीं कर रहे। कभी कभी मैं ऐसे अचानक में चली जाती हूँ, सरप्राइज सरप्राइज है ये। चलो अब पहुँच गए हैं हम अपने ऑफिस, हम अपने ऑफिस आ गए और किसी को पता नहीं है कि आज मैं ऑफिस जा रही हूँ, तो एकदम भावा बोलने वाली हूँ ऑफिस में। ठीक है आज मैं तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ, कैसा लग रहा है? चुपचाप चुप कैसे आने वाला, कैसा लग रहा है? आ तो रही हूँ सरप्राइज सरप्राइज चलते रहो, हम सरप्राइज दे रहे तो दोनों साथ देंगे ना। ये है हमारा ऑफिस, ये बैठे सब लोग, ये इतना काम चाहिए सब में है। ये देखिए आज मैंने अचानक बढ़ावा बोला अपने ऑफिस पे, मैं ये देखना ही ये काम करते हैं या फोन पे बातें करते रहते हैं, ये फोन पे बातें चल रही है, नंबर शेयर कर रहे हैं दूसरे के। अच्छा तो ये फालतू बात, फालतू का ये काम का पार, ये काम के बाबूजी का आशीर्वाद लो, बाबूजी का आशीर्वाद, मेरे बाबूजी का आशीर्वाद। और दीप दरोनी बाबा भी हैं वहाँ, हाँ बाबा का भी आशीर्वाद। और देख यहाँ भी है, हाँ देखो ये सब आशीर्वाद दिए हुए। जो सोबत है सो खोबत है, जो खोबत है सो खोबत है, जो हम यहाँ तो हम यहाँ है ना। ये कोई तरीका हो तो मैं बैठा वहाँ मैं तो वही बैठ रहा हूँ, एक चेक साइन करवा के ले जाओ, चेक साइन करवा दे। अजय तू घर में सिफारिश अंदर के पास है, एक चेक साइन करवा दे, मैं ले जाऊं। यू ऐसे होते ना, ना कर दो ये अगले ठाण वाला भी तो पक्की सब चेक करवा ला, आप मैं एक हफ्ते करी दो, एक कर दो कोई दिक्कत ना, पैसे बहुत मुश्किल से कमाए हैं, कितना आराम से कमाते हैं कमा किसके लिए है ये तो खा बताओ, ये तो खामो का खर्च कर देगी, ये तो बिना बात खर्च कर देगी, तो बिना बात शॉपिंग करने के लिए आपके लिए सामान खरीद के लाके कुछ भी शॉपिंग करके आप ही मुझे नहीं मंगवाना, और सगले कपड़े लेके लेके जेड तक जूते फूटे आज तक तुमने खरीदा कुछ, ये बताओ मुझे, बताओ इस चीज का जवाब दे दो, तो मुझे तो नहीं मंगवाने ना अभी। अगर एक चीज बहू बेटा घूमे पेरिस में 20 दिन महीना भर के नहीं गए हुए, उनके लिए कुछ नहीं, मेरे लिए देख रहे हिसाब लगा रहे, तो उनकी तो उम्र है घूमने की भाई, बच्चे हो। शॉपिंग हर उम्र में होती है हमेशा, बच्चों को ज्यादा शॉपिंग करनी चाहिए, अब इसकी उम्र है कम शॉपिंग करने की, अब शॉपिंग में लगा लो। एक चीज बताओ तुमने अब तक किसे खरीदी है, सही बताइए किसे खरीदी है आपने अब तक? मैं राहुल ने खरीदी है,
कब खरीदी थी? चेक तो चेक है, कर लो 20,000 रुपए का चेक पे बस 20,000 रुपए का लक्ष्मी को क्या क्या मंदिर में दान दे रहे हो क्या? अपना देख के मेरा देख के तुम्हारा होता क्या मेरा क्या उसे देख के पागल अभी मैंने 5,00,000 रुपए तो विदा दे खाते में अभी थोड़े दिन पहले उससे पहले 10,00,000 रुपए डाले 15,00,000 रुपए थोड़े दिनों पहले निकाले या तो रहे घूमे ना या तो नहीं किसी काम को पड़े या तो रहे घर में ही कर दो सुन अभी ने ये ना बता अभी तुम्हें रिफ्लेक्ट मुझे कुछ काम दान दे दो बाबा दान कर छोड़ बैठ तू बाबा दान कर दो कैसे कैसे कर दो मुझे तो कैसे दान कर दो मुझे कैसे भी चला अरे चल कुछ तो मिला आने ऐसा गड्डी ना तोड़े थे पूरी निकाल के फिर तुम भूल भी जाओगे कौन सी गड्डी अलग ही थे जल्दी से 20,000 रुपए अलग और रख लिया 50,000 रख लिए शिव परिवार लक्ष्मी जी देवी मैया बहुत ही अच्छा आशीर्वाद बनाए हुए ये है विधि का ऑफिस करंट का ऑफिस है ये करंट हाँ मस्त ऑफिस देख लो यहाँ माँ बेटा रहे गौ माता अपने बच्चे प्यार करते हुए मतलब ये मैं हूँ और मैं तुझे प्यार करते हुए ये मैं विकी को प्यार करते हुए अरे ये कुछ ये देखो ये मम्मी लाद रही थी कुछ ना कुछ ऑफिस में रखने को ये बाइक देखो कितनी अच्छी लग रही है यूनिक सी बाइक लग रही है ना और देखो भगवान जी और नीलकंठ बाबा की कृपा हम पे भी और आप सब पे भी कृपा बनी रहेगी बाबा की बैठो ना बैठो हां बैठ गई मैं इधर बैठी हूं मम्मी को बिठाते रहना चाहिए भाग्य और लक्ष्मी बनी रहती अपने काम में बिठाए हो ये मैं आके ऐसे तुम कभी ऐसे बैठ जाती हूं लाओ भी क्या कहना ना तेरे पापा से तो मैं भी उधर जाके ऑफिस में पैसे ले आई सुन ऑफिस में पैसे ले गई अरे पैसे ले गए सुन पता आज मैं क्या कर रहा हूँ मैं तेरे पापा से ये शॉपिंग के लिए चल खाना शॉपिंग के लिए चल ऑफिस आना फायदेमंद होगा मेरा तो बहुत हो गया फायदेमंद मुझे तो भोले बाबा के पापा भी आज तेरा फिर हाँ तेरा भी होगा चलो और देखो ये कितना अच्छा लगता है ऐसे अगर खेलना ही हो ये बताओ पहले ये हमारे घर का सबसे बड़ा छोटा बच्चा ये ऑफिस की छोटी सी किचन ये है करण का ऑफिस आपको मुझे लगाइए मेरी ड्यूटी की दिखा क्या यहाँ पर क्या है ये हमारा सारा रिकॉर्ड सेक्शन रूम है इधर इधर सारा मतलब जो भी आता है काम करता है फाइल वगैरह का सारा इधर ये हमारा टेक्निकल और ये हमारा टेक्निकल आदमी इस आदमी को सब पहचानते होंगे कमेंट में बताना मैं नहीं बता रहा आदमी कौन है कमेंट में बताना ये आदमी कौन है ये टेक्निकल आदमी है सबसे गुरु घंटा आदमी है ये हमारा फिर एडमिन हो गया एचआर इधर बैठते हैं ये मेरा नंबर ये मेरा ऑफिस है जहाँ मैं बैठता हूँ हालांकि मैं ऑफिस में कम ही बैठता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा साइट पे और थोड़ा फील्ड वर्क में ज़्यादा रहता हूँ तो मैं कम ही आता हूँ इधर तो पेंट्री और ये हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल
कोई भी मीटिंग होती है मेरे लिए अभी इधर मैं प्रोजेक्टर लगा रहा हूँ उसमें, यहाँ कुछ टाइम पहले देख लेते हैं प्रोजेक्टर रहेगा, क्योंकि अपने साइट के लिए क्या होता है ऑफिस में जैसे मीटिंग्स होती हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा कर पूरे सारा सिस्टम इधर ही होता है, अकाउंट सेक्शन है सारे अकाउंट बैठते हैं सारे रिकॉर्ड सारे स्टाफ इधर ही बैठते हैं, ये अकाउंट सेक्शन है, ये हो गया हमारा इंजीनियर्स रूम, क्योंकि इंजीनियर अभी साइट पर गए हुए हैं सुबह का टाइम है, मतलब सुबह शाम का टाइम है, रात को वापस आएंगे, ये इंजीनियर रूम है, यह सारा अवेलेबल रिकॉर्ड वगैरह सब वहीं का रख रहता है इधर। इसके बाद अब कोई आता है विजिटर रूम्स, क्योंकि कोई आएगा आप बिजी हैं तो उनको यहाँ बिठा लेना, ये हमारा विजिटर रूम। और इसके बाद ये ऑफिस जो उधर हमारे जो मतलब इंजीनियर सब बड़े वो लोग ऑफिसर टाइप के होते हैं वो इसमें बैठते हैं, वो इसमें बैठ कर सारा दिखाते हैं सारा, मतलब यहीं से वो देखते हैं सारे प्रोजेक्टर निगाह रखते हैं। और ये है अपना टेक्निकल डिपार्टमेंट, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि सारे लोग अभी बाहर गए हुए हैं साइट पर, तो यहाँ भी आपको वैसे तो कोई नहीं मिलेगा देखने के लिए, सिर्फ अगर आप ऑफिस में आएंगे 11-12 के बाद में तो सिर्फ आपको अकाउंट सेक्शन मिलेगा हमारे लिए। और ये तो फिर है ये हमारा मेन CMD MD, ये बैठे CMD MD हमारे तो मैं तो ऐसी ये हमारा सामने मेट्रो स्टेशन सेक्टर 148 नोएडा, यहाँ आओ तो यहाँ से बिल्कुल अपना क्रॉस करते हो मेन हाईवे को, और ये हमारा ऑफिस, मतलब इसका व्यू बहुत प्यारा है, ये सर स्पेशियस भी बहुत है, आपको अच्छा भी लगता है बैठना यहाँ पर, और व्यू बहुत अच्छा होता है जब यहाँ बारिश होती है ना तो बहुत प्यारा लगता है उस टाइम। शॉपिंग मैं कल जाऊंगी, एक दो बार बन जाएगा। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।